Hi everyone, welcome back to my channel. I am Ridhima and आज हम review करने वाले हैं The Great Indian Couple Show जो कि आजकल Netflix पे आ रहा है. इसके अभी चार ही episodes आए हैं but सब लोग सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहे हैं. So for all the kids जिनको नहीं पता, कपिल शर्मा ने अपना करियर शुरू किया था The Great Indian Laughter Challenge season 3 से, जिसके eventually वो winner भी बने. Oh my god यार, so many memories came back rushing क्योंकि मैंने देखे हैं वो सारे seasons and they were so good. मतलब I can literally never forget those days. परिजात कोला host करती थी, सिद्धू पाजी और शेखर सुमन सर होते थे वहां पर एज अ जज. भाई क्या दिन थे यार. मतलब उस टाइम वीकेंड की रात मेंट द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज. एंड उस टाइम के इस शो ने ना भाई इतने बड़े बड़े अच्छे कॉमेडियंस प्रोड्यूस किए. सो सुनील पाल, पराग कंसारा, राजू श्रीवास्तव सर, चंदन प्रभाकर, सुदेश लहरी, राजीव ठाकुर, भगवंत मान, ये सब उस शो के पार्टिसिपेंट्स थे. डिफरेंट डिफरेंट सीजंस बट दे वर ऑल पार्टिसिपेंट्स. इवन भारती और सुगंधा मिश्रा फर्स्ट टू फीमेल कंटेस्टेंट्स थी उस शो की. सो एज फार एज आई रिमेम्बर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के बाद एक कॉमेडी शोज आते ही गए. एंड इनफैक्ट वो ट्रेल अभी तक चल रही है. बट स्पेसिफिकली कॉमेडी सर्कस और कॉमेडी नाइट्स के आने के बाद तो लिटरली कृष्णा, सुदेश, भारती और कपिल का करियर क्या स्काई रॉकेट किया है भाई. उसके बाद दीज पीपल नेवर लुक बैक. सो मच सो कि उसके बाद कपिल ने अपने शोज खुद प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए. ही मेड कॉमेडी नाइट्स विद कपिल एंड द कपिल शर्मा शो. एंड नाउ नेटफ्लिक्स पर स्टार्ट हुआ है द ग्रेट कपिल शर्मा शो, जिसके बारे में अब हम फाइनली बात करने वाले हैं. सो सिंस इट इज ऑन नेटफ्लिक्स, ये शो एयर हो रहा है ऑल अक्रॉस 192 कंट्रीज. ये बात अगर गलती से आप भूल भी जाओगे ना तो आपको भूलने नहीं दी जाएगी, क्योंकि हर एपिसोड में ये हर बार इतनी बार मेंशन कर रहे हैं ये फैक्ट. सो इस शो के अभी तक चार एपिसोड आ चुके हैं एंड हम बात करने वाले हैं एवरी इंडिविजुअल एपिसोड के बारे में. सो इस बार जो इनका सेट है वो इन्होंने ऐसे एयरपोर्ट थीम्ड रखा है, जहां पर एक कैप्स कैफे बनाया है. मतलब कपिल का शॉर्ट फॉर्म कैप्स. आई डोंट नो हु केम अप विद इट बट या व्हाटएवर, दे फाउंड इट क्रिएटिव. तो उसी कैफे में लोग आके बैठेंगे एंड बात बात करेंगे, वही उनका पूरा का पूरा सेटअप है. बट द सेट इज अमेजिंग एंड इट इज ह्यूज. मतलब देख के पता लग रहा है कि नेटफ्लिक्स ने सॉलिड पैसा खर्च किया है. सो फर्स्ट एपिसोड था एंड ऑब्वियसली दे हैड टू स्टार्ट विद अ बैंग. तो कपिल आया एंड यू नो ही केम डांसिंग एंड एवरीथिंग. पीछे से गाने बज रहे हैं, अर्चना जी इज देयर, सब लोग, पूरी ऑडियंस कपिल कपिल हूट कर रही है. एंड इट वॉज अ ग्रेट वाइब टू स्टार्ट विद. फॉर्मेट पूरे शो का बिल्कुल एकदम सेम है जैसे पहले रहता था. स्टार्टिंग में कपिल का एक थोड़ा सा मोनोलॉग है, कपिल और अर्चना का आपस में थोड़ा सा बैंटर है एंड उसके बाद फिर गेस्ट्स का इंट्रो है. तो कैप्स कैफे को इनॉग्रेट करने आए हैं रणबीर कपूर, नीतू कपूर एंड रिधिमा कपूर सानी. एंड व्हेन दे केम फिर से पंजाबी म्यूजिक शुरू हो गया एंड ऑब्वियसली एवरीबॉडी डांस्ड अगेन. मतलब फुल एकदम ऐसे रिबन कट वगैरह भी करवाया उन्होंने इनॉग्रेशन के नाम पे. सो या उसके बाद ऑब्वियसली कपिल थोड़ा चिट चैट करते हैं गेस्ट से एंड एवरीथिंग. बट बातों बातों में वी फाउंड आउट कि रिधिमा कपूर इज ऑल्सो डेब्यूइंग ऑन नेटफ्लिक्स एंड वो बॉलीवुड हाउसवाइफ्स की कास्ट को ज्वाइन कर रही है. मतलब मैं अकेले कहूंगी तो थोड़ा विवाद हो जाएगा. आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस और नॉट बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि शी इज रिप्लेसिंग सीमा सजदे, जो कि सोहेल खान की एक्स वाइफ थी. बट नाउ दैट दे हैव सेपरेटेड तो ऐसा हो सकता है कि बिकॉज शी इज नॉट द बॉलीवुड हाउसवाइफ एनीमोर इज व्हाई दे वांट न्यू कास्ट मेंबर्स. आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो. बट ऑब्वियसली ये लोग फैमिली के साथ आए हैं तो फैमिली रिलेटेड क्वेश्चंस, सिबलिंग्स रिलेटेड क्वेश्चंस, ऋषि जी का आपके साथ कैसा रिश्ता था, आपका बचपन कैसा था, व्हाट आर द मेमोरीज, ये सारी बातें तो करनी ही थी. बट वन थिंग दैट रिधिमा एंड दिस रिधिमा हैज इन कॉमन इज अ यंगर ब्रदर. एंड शी ऑल्सो टोल्ड कि बचपन में अगर कोई उसके भाई को बुली करता था तो वो लड़ने पहुंच जाती थी जस्ट लाइक मी. बट फिर ऑब्वियसली हाँ, बड़े होते हैं तो ये भाई लोग थोड़े ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो जाते हैं. बट हाँ, ये तो है कि इन फ्रंट ऑफ अ सिस्टर नो बडी कैन से एनीथिंग टू हर ब्रदर, एनीथिंग, वो चाहे कोई भी हो. ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन जिस बात के लिए मैं सबसे ज्यादा ग्लैड हूँ, थैंकफुल हूँ कि उस बारे में इन्होंने बात की, वो चीज देख के मेरा दिमाग हिल गया था, विच इज दिस. भाई मेरे को जानना है ये क्या बच्ची है. सो ऑब्वियसली मेरी तरह कपिल वाज आल्सो वेरी कीन टू आस्क. उन्होंने रिधिमा से पूछ लिया कि ये चक्कर क्या है, मतलब समारा मीडिया को देख के इतना एक्साइटेड क्यों हो जाती है. सो देन रिधिमा सेज कि शी लव्स द कैमरा, यू नो उसको बड़ा अच्छा लगता है ऐसे पोज करने में एंड एवरीथिंग. तो शी गेट्स रियली एक्साइटेड. सो देन रणबीर इंटरवीन्ड एंड सेड कि एक दिन वो मेरे साथ करीना के बेटे के बर्थडे में गई थी एंड शी एक्चुअली बिफोर हैंड आस्क्ड मी कि बाहर मीडिया होगी. एंड देन रणबीर सेड हां हां होगी. सो शी वाज ऑलरेडी डिस्कसिंग अ पोज कि मैं ऐसे पोज करूंगी, मैं ऐसे पोज करूंगी. हंसी तो मेरे को बहुत आई थी वो वीडियोस देख के. बट मेरे को ये भी अच्छा लगा कि यार मस्त जी रही है वो, चिल एकदम अपनी जिंदगी, वो सॉर्टेड है. उसके बाद कीकु शारदा का एक शेफ वाला सेगमेंट था एंड इट वाज सो गुड आई कांट इवन टेल यू. मजा आ गया देख के. पूरी वाइब से ऐसा लग रहा था कि चलो ये सेलिब्रिटीज का गेट टुगेदर चल रहा है. लेकिन सडनली रणबीर सेड कि आई कांट वेट टू ब्रिंग राहा टू योर शो. एंड कपिल सेड हां ले आना, मैं भी उस अनायरा को ले आऊंगा.
तो मतलब ये क्या प्ले रेट्स की बातें हो रही है, मतलब क्या ही है ये। जहाँ देखो कॉफी विद करण पे देखो आलिया राह की बातें करती रहती है, मीडिया को देखो मीडिया राह की बातें करता रहता है, उसके बाद से अब ये कपिल शर्मा में भी शुरू हो गया। ये हो क्या रहा है, मतलब क्या पहले तैमूर करते थे, अब राह करते रहते हैं। मेरा दिमाग घूम गया भाई। अभी तक एपिसोड अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके बाद वो हुआ जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, एंड इट वॉज सुनील ग्रोवर की एंट्री। सो एक बड़ा सा पार्सल आता है एंड उसके अंदर से निकलते हैं सुनील ग्रोवर, एंड इट वॉज सो गुड टू सी हिम कि मैं क्या ही बताऊं। एंड बेस्ट बात बताऊं क्या है, ही एक्चुअली गॉट द एंट्री दैट ही डिजर्व्ड। मतलब आप सोचो वो माहौल, वो पार्सल के अंदर खड़े हुए हैं, पीछे ए दिल है मुश्किल का टाइटल ट्रैक बज रहा है, पूरे 2.5 मिनट का ट्रैक बजा है वो। एक हाथ में सुनील के पायरो गन है और एक हाथ में उनके बबल वाली गन है, वो ऐसे 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 अपने ऊपर पूरा अराउंड घुमाए जा रहे हैं उसको, एंड देन वो सब खत्म हो गया तो यू नो सडनली फूल निकाले, फूल उठा के अपने ऊपर जा रहे हैं, एवरीथिंग इट वाज सो गुड। बट मेरा दिल इतना खुश था ना सुनील को देख के, भाई मजा आ गया। बट मुझे लगता था उनका नाम अभी भी गुत्थी ही रहेगा, बट दे हैव चेंज्ड द कैरेक्टर्स नेम एंड समहाउ इट इज डफली नाउ। उसके बाद डफली का एक पूरा सेगमेंट था, कृष्णा का पूरा सेगमेंट था जिसमें वो अबरार बन के आए थे, कीकू का एक पूरा सेगमेंट था जिसमें वो गदर वाले सनी देओल बन के आए थे। मतलब मजा आ गया, व्हाट एन एपिसोड यार, मजा आ गया, बहुत ही मजा आ गया। मतलब आई डोंट नो अभी ये वाले वीडियो में आप कितनी बार मेरे मुंह से मजा आ गया सुनने वाले हो, बट एक्चुअली मजा आ गया। और एंड में जो रणबीर ने कहा ना उससे आप 100% एग्री करोगे, ही सेड आउट ऑफ द कंट्री में जहां भी जाता हूं ना लोग SRK को जानते हैं, लोग अमिताभ बच्चन को जानते हैं, एंड अब लोग कपिल को जानते हैं, एंड दैट मेड मी रियली प्राउड ऑफ यू, एंड आई वाज लाइक सो आर वी रणबीर, सो आर वी आर वेरी प्राउड ऑफ कपिल। सेकंड एपिसोड में आए इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा एंड बैट्समैन श्रेयस अय्यर, एंड नॉर्मली एक्टर्स वगैरह के लिए काफी हूटिंग होती है एंड एवरीथिंग। इधर आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एज मच, बट पीपल वर रियली रियली हूटिंग फॉर देम, सो दे एंटर्ड विद द चीयरलीडर्स एंड एवरीथिंग, एंड इवेंचुअली एक चीयरलीडर ने उनको बोल ही दिया कि सी वी हैव डन सो मेनी मैचेस फॉर यू एंड वी हैव डांस्ड इन सो मेनी ऑफ देम, इस बार क्या आप हमारे लिए डांस करोगे, एंड रोहित अग्रीड। सो दे गेव देम दो स्मॉल लिटिल स्कर्ट्स एंड पॉम पॉम्स एंड वो सब पहन के उन्होंने एक छोटा सा परफॉर्मेंस किया, दैट वाज वेरी क्यूट। इस एपिसोड में सुनील ग्रोवर बन के आए थे इंजीनियर चुंबक, आई थॉट ये वाला भी एकदम रॉकिंग सेगमेंट होने वाला है, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि दिस वन एक्चुअली बॉम्ब्ड अ लिटिल, तो ये मेरे को काफी एवरेज लगा। उसके बाद कपिल ने किया है कोल खोल वाला सेगमेंट जिसमें उन्होंने यू नो बाकी क्रिकेटर्स के बारे में काफी सारी ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल, स्लाइटली कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें पूछी, एंड वैसे सही बात है, बाकी एक्टर्स या दूसरे सेलिब्रिटीज या सिंगर्स कोई भी हो उन सब के बारे में हमें पता चल ही जाता है सोशल मीडिया पे, लेकिन क्रिकेटर्स के बारे में उतना सच नहीं पता लग पाता। सो इट वॉज अ गुड सेगमेंट कि भाई कुछ चीजें जो किसी को नहीं पता है वो हमें सुनने को मिली, एंड यू नो इट वॉज रियली गुड कि कपिल ने ये वाला कॉन्वर्सेशन किया। उन्होंने रोहित को बोला कि सी हमने पूरी सीरीज, पूरी वर्ल्ड कप सीरीज हमने इतने अच्छे से सारे मैचेस खेले, सिर्फ एक वो लास्ट मैच की वजह से वर्ल्ड कप हमारे हाथ से निकल गया, तो उस टाइम एग्जैक्टली कैसा फील हुआ आपको। सो रोहित ने बताया कि उससे पहले तक ना टीम एकदम ऑटो पायलट पे चल रही थी, हम एकदम मस्त खेल रहे थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे, बट देन वो टारगेट वाला नंबर बोर्ड पे जब फ्लैश होने लग जाता है ना तो आदमी वैसे ही नर्वस हो जाता है, एंड शायद वो नर्वसनेस की वजह से ही मे बी हमने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया एंड वी लॉस्ट। सो नॉर्मली ऐसी सिचुएशंस में यार एक मैच हार जाओ उसके बाद लोगों को बहुत टफ टाइम फेस करना पड़ता है क्योंकि लोग इनको लिटरली बुली करना शुरू कर देते हैं, बट टू माय सरप्राइज द ऑडियंस दैट वाज सिटिंग देयर चीयर्ड फॉर देम सो मच, एंड इट वाज लाइक कि चलो ओके देयर इज स्टिल अ ग्रुप ऑफ पीपल हु अंडरस्टैंड कि दे आर ऑल्सो ह्यूमंस एंड दे कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक्स। जैसा भी रिजल्ट आउट स्पोर्टिंगली लेना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से वो लोग बुली करते हैं, पुतले जलाते हैं, चीजें तोड़फोड़ कर देते हैं लोग, वो दैट शुड नॉट बी डन। उसके इमीडिएटली बाद हमें पता चला कि श्रेयस के पास एक हिडन टैलेंट है और वो कार्ड से ट्रिक्स करते हैं बहुत अच्छी, एंड ही एक्चुअली गेव एन एग्जांपल ऑफ इट एंड सच में इट वाज माइंड ब्लोइंग। अब ऑब्वियसली क्रिकेटर्स आए हैं तो एंड में इनके लिए एक छोटा सा क्रिकेट सेगमेंट तो रखना ही था, सो वहां पर उन्होंने ऐसे पूरा पिच विच लगा के एकदम पूरा सेटअप कर दिया, एंड सडनली सुनील ग्रोवर बन के आते हैं कपिल देव, एंड कपिल बन के आते हैं सिद्धू पाजी। भाई वो देख के क्या मजा आया है, ओहो इट वाज सो गुड। मतलब उस टाइम पे लिटरली मेरा और अर्चना जी का दोनों का हंस हंस के बुरा हाल हो रहा था, मतलब पूरा वो डायलॉग्स या बैंटर जो मर्जी हो लेकिन वो जो कैरेक्टर्स थे ना भाई आइकॉनिक। क्रिकेट तो इन्होंने लास्ट में 2 मिनट भी नहीं खेला होगा लेकिन वो जो पूरा सेगमेंट था ना उससे इन्होंने आग लगा दी भाई, तबाही मचा दी, मजा आ गया। एपिसोड 3 के लिए भाई मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि इस एपिसोड में आने वाली थी चमकीला की कास्ट जिसमें इम्तियाज, परिणीति एंड दिलजीत तीनों आने वाले थे, एंड आई रियली डोंट नो कि आपको पता है कि मैं दिलजीत की कितनी बड़ी फैन हूं, लेकिन जब एड शीरन के कॉन्सर्ट में दिलजीत सडनली सरप्राइज परफॉर्मेंस देने आए थे तो दिस वॉज माई रिएक्शन।
या सो आई होप यू नो नाउ. और हाँ, इसी बात पर मुझे प्लीज इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, क्योंकि ये सारी अपडेट्स, सारी चीजें जो हो रही होती है, सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पे ही डालती हूँ. तो स्टार्टिंग में कपिल और दिलजीत का बैंटर शुरू हो गया, एंड कपिल वाज लाइक कि जब ये चमकीला अनाउंस हुई थी ना, मुझे तभी पता था कि मेरे अलावा अगर कोई कर सकता है ना तो वो सिर्फ दिलजीत ही है. उसके बाद दिलजीत ने बताया कि हिम बीइंग फ्रॉम पंजाब, उनको ऐसा लगता था कि मैं चमकीला को जानता हूँ, मैंने बड़े होते हुए उनके गाने सुने हैं, एंड यू नो आई न्यू अबाउट हिम. बट व्हेन आई मेट इम्तियाज सर, ही न्यू everything about him. कि उनके mannerisms क्या है, वो चलते कैसे हैं, वो खड़े कैसे होते हैं, वो गाते कैसे हैं, उनकी wife से related बाकी सारी चीजें. So दिलजीत was like कि भाई उसके बाद तो I surrendered. वैसे ये बात तो बिल्कुल सही है इम्तियाज सर के बारे में कि he puts his blood, sweat and tears in his craft and eventually comes up with a masterpiece. Rather इम्तियाज सर said कि दिलजीत अगर मना कर देता ना इस रोल के लिए तो ये फिल्म नहीं बन पाती. मतलब दिलजीत और परिणीति दोनों ही बहुत ही एक प्रॉपर फिट थे उस कैरेक्टर के लिए. बिकॉज फॉर अमरजोत कैरेक्टर ऑल्सो दे वॉन्टेड समवन हु कैन सिंग, हु कैन एक्ट एंड हु कैन ऑल्सो पुट ऑन 15 केजीज ऑफ वेट फॉर द फिल्म. परिणीति सेड इन्होंने इस फिल्म पे भाई क्या ऐश करवाई है मेरे को, मतलब मैंने ऐसे मस्त ठूस ठूस के पराठे खाए हैं कि मजा ही आ गया. सडनली उसके बाद कृष्णा की एंट्री होती है एज डोनाल्ड ट्रम्प एंड कीकू शारदा बन के आते हैं किम जोंग उन. और उन दोनों का भाई जो सेगमेंट और जो केमिस्ट्री है ना आपस में, भाई दैट्स माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया देख के. फिर ऑब्वियसली चमकीला की बात हो, चमकीला की स्टार कास्ट आए और उनसे लाइव परफॉर्मेंसेस ना करवाए, ऐसा तो हो नहीं सकता. तो उसके बाद दिलजीत एंड परिणीति ने एक छोटा सा परफॉर्मेंस दिया एंड इम्तियाज सर ने बताया कि जो भी परफॉर्मेंसेस चमकीला मूवी में स्टेज पे दिए हैं इन्होंने, वो दोनों ने लाइव गाए हैं. इट वॉज नॉट प्री रिकॉर्डेड एंड उसी माहौल में इन लोगों ने ऐसा रॉ लाइव गा के रिकॉर्ड किया है, एंड दैट वाज अ बिग थिंग. उसके बाद एक डफली का सेगमेंट अगेन था एंड इस बार डफली वाज आल्सो सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द स्टेज एंड शी वाज इन हर ट्रू एलिमेंट, जो देख के इतना पेट में दर्द हो जाता ना हंस हंस के. ऑनेस्टली बताऊं तो जब कपिल और सुनील का रिफ्ट हुआ था ना, इट वॉज अ huge news and my heart was broken. क्या क्या ही होने वाला है शो का. I used to miss Sunil there but now that he's back I really couldn't be happier. फोर्थ एपिसोड में आए विकी कौशल और सनी कौशल और ओपनिंग ही सुनील ग्रोवर और विकी कौशल के डांस से हुई, विच वॉज बैंग ऑन. सो ऑब्वियसली सिबलिंग्स आए हैं तो ये लोग वही बातें कर रहे थे कि क्या आप बचपन में एक दूसरे को मारते थे, क्या आप बचपन में एक दूसरे के कपड़े चुराते थे, किसका ड्रेस सेंस बेटर है एंड ऑल ऑफ दैट. तो ऑब्वियसली विकी ने बोला कि हाँ हमारी बिल्ट विल्ट सब सेम है, तो हम बचपन से एक दूसरे के कपड़े ऐसे मारते हुए आए हैं. एंड कपिल वॉज लाइक कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता था, आई हैड एन एल्डर ब्रदर. एक दिन वो अपने कपड़े रात को पूरा सेट करके आयरन करके सोए, सुबह मैं उनसे जल्दी उठ के उनके कपड़े पहन के निकल गया. And I was like, okay, this happens everywhere in every household. मतलब ये सारे siblings करते हैं, just like I am again wearing Shivam's t-shirts. And सच बताओ तो शिवम के पास उसका खुद का wardrobe उतना नहीं है जितना मेरे पास है. अगर आप लोग भी अपने siblings के साथ ऐसे करते हो तो please let me know in the comments. But एक चीज जो मेरी absolute favorite रहती है ना हर episode में, वो है कपिल और अर्चना का बीच में banter. इनका अलग ही चलता है यार, ये मस्त धोते हैं एक दूसरे को. लेकिन best part जो है वो ये है कि अर्चना जी doesn't take it to her heart. So विकी और सनी के father श्याम कौशल एक बहुत ही फेमस स्टंट डायरेक्टर हैं, तो उनके साथ इनका बचपन कैसा था, वाज ही स्ट्रेट, घर में कौन मारता था, किसकी पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी, कौन पिटाई खाता रहता था, ये सारी बातें भी ऑब्वियसली इन लोगों ने डिस्कस की. एंड उसके बाद फिर से सडनली एंट्री होती है एयर होस्टेस मोना की, जो कि है कृष्णा. एंड ऑब्वियसली देयर आर पंजाबीज इन द हाउस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई कोई आए और इनको ना नचाए. सो दे डांस्ड अगेन. कृष्णा ने फिर से इन दोनों को उठा लिया ढोल पे डांस करने के लिए एंड इट वाज ऑलरेडी द थर्ड टाइम दैट दे वर डांसिंग इन दिस एपिसोड. एंड उसके बाद ऑब्वियसली कपिल मेंशनड ऑल द इनक्रेडिबल वर्क दैट यू नो बोथ ऑफ दीज ब्रदर्स हैव डन. स्पेसिफिकली विकी के बारे में बात हुई कि उन्होंने उरी, शहीद उधम सिंह और सैम बहादुर की अभी रिसेंटली, जो कि सारी ही बहुत अमेजिंग मूवीज थी. सो विकी ने बताया कि नॉर्मली मैं कैमरा के सामने बिल्कुल नर्वस नहीं होता हूँ, लेकिन सैम बहादुर का शूट चल रहा था एंड एक दिन मैं सैम बहादुर जी की बेटी से मिला जिनका नाम है माया एंड शी इज लाइक 75-80 ईयर्स ओल्ड. सो वो उनको बता रही थी अपने फादर के नेचर के और मैनरिजम्स वगैरह के बारे में. एंड एक दिन वो शूट पर आई एंड ही वॉज परफॉर्मिंग, तब विकी को लगा कि आई एम सो नर्वस, आई डोंट नो इफ शी डजंट लाइक इट, भाई मेरा पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा. बट टू हिज सरप्राइज एट द एंड ऑफ द परफॉर्मेंस शी हैड टीयर्स इन हर आईज एंड she loved the whole performance and even I can vouch for it because I took my parents to watch that movie and even they loved it. My father knew all the characters and all the leaders that were mentioned. Lekin it was the end and Arjuna ne phir se announce kar diya ki Kapil tu na kuch ga ke sunai de yaar. And now obviously Kapil was saying sari ki sari audience ekdam stage pe aa gayi and everybody danced together. To matlab mere ko the great Indian Kapil show ka episode kam aur jhalak dikhla ja ka episode zyada lag raha tha. Char baar nache hain literally ye log pure episode mein. But who am I to complain, it was all fun. And you know what the biggest thing is, पिछले चार वीक से ये शो
ग्लोबली ट्रेंड कर रहा है, मतलब इट इज परफॉर्मिंग फैब, और ये खुद नेटफ्लिक्स ने पोस्ट किया है, नाउ दैट्स कमेंडेबल। सो अगर आपने अभी तक ये वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, प्लीज देख लो, मजा आ जाएगा आपको देख के। आई एम गोइंग टू गिव इट अ सॉलिड 5/5 बिकॉज मैं कोई ऐसे कमी और नुक्स निकाल ही नहीं सकते। अमेजिंग राइटिंग, अमेजिंग परफॉर्मेंसेज, एवरीथिंग वॉज जस्ट अमेजिंग। एंड दिस वॉज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो। जल्दी से मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।